चौधरी प्राइवेट प्लेन से पहुंचे केदारनाथ, लोगों ने उन्हीं की भाषा में किए सवाल, कर दिया बुरी तरह से ट्रोल। आज तक एंकर सुधीर चौधरी केदारनाथ के दर्शन करने पहुंचे, जिसकी जानकारी खुद ही उन्होंने देते हुए बताया। वही हाल ही में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्राइवेट जेट से गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान पहुंचने पर एंकर सुधीर चौधरी ने तंज कसते हुए पूछा था, ये ऑटो रिक्शा किसका है, और कई तरह के सवाल उठाए थे। वही बेंगलुरु में भी विपक्षी दलों की बैठक में विपक्षी दलों के नेताओं के प्राइवेट प्लेन से पहुंचने पर भी आज तक एंकर सुधीर चौधरी ने कटाक्ष करते हुए लिखा था, गरीबों के मसीहा प्राइवेट प्लेन में क्यों चलते हैं। बेंगलुरु में ज्यादातर विपक्षी नेता अपने अपने प्राइवेट प्लेन से पहुंचे, बाहर से नेता हवाई चप्पल, सूती कमीज, सूती साड़ी और टी शर्ट में दिखते हैं। कुछ नेता तो जेब में 5 रुपए वाला पैन भी रखते हैं। ये सभी प्लेन देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों के हैं, किराए पर दिए या मुफ्त में, जांच का विषय है। और अब खुद सुधीर चौधरी का बाबा केदारनाथ में प्राइवेट प्लेन से पहुंचने पर उन्हीं को लोगों ने आड़े हाथों ले लिया। जनता का कहना है कि विपक्षी नेताओं पर सवाल उठाने वाला, तंज कसने वाला आज खुद प्राइवेट जेट में घूम रहा है, ये जांच का विषय है। आपके साथ शेयर करते हैं जनता के कुछ रिएक्शन। रोहुल गांधी 2.0 के ट्विटर हैंडल से लिखा गया, निहारी तू देहरादून तक प्राइवेट जेट में जाता है, फिर वहाँ से प्राइवेट हेलीकॉप्टर में केदारनाथ पहुँचता है, फिर मंदिर परिसर में मंदिर की तरफ पीट करके प्राइवेट चैनल के लिए शूटिंग करता है, लेकिन जब आम घरों के बच्चे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से दर्शन के लिए जाते हैं, वहाँ कुछ तस्वीरें ले लेते हैं, तो तू भड़क जाता है, उनके खिलाफ कैंपेन चलाता है। इसका एक ही कारण है कि तू और तेरा सेठ धर्म की ठेकेदारी कर सके। बच्चे केदारनाथ की रील्स फ्री में चलाते हैं, लेकिन तेरा सेठ इस शो से 2-3 करोड़ का रेवेन्यू बनाएगा। ऐशो आराम लग्जरी और एकाधिकार की जो घिनौनी लत तुझे और तेरे नोएडा गैंग को लग चुकी है, उसका हिसाब यही आम घरों के बच्चे करेंगे, देखता जा। इस पर एक यूजर ने लिखा, जनाब खुद प्राइवेट चार्टर प्लेन से जाते हैं और कांग्रेस के बारे में अनशन बोलते हैं, गजब दोगला आदमी है तिहारी जी। सुनील शर्मा नाम के यूजर लिखते हैं, प्राइवेट एयरक्राफ्ट मौज ले रहा है। पेक्यूजा ने लिखा, ये प्राइवेट जेट किसके पैसों से लिया। पेक्यूजा लिखते हैं, सर जी प्राइवेट जेट कब खरीद लिया, हमें तो बताया ही नहीं आपने। ऐसे कितनी सोशल मीडिया यूजर हैं जो सुधीर चौधरी के इस तरह प्राइवेट जेट में केदारनाथ पहुंचने पर अपने अपने रिएक्शंस देते दिखाई दे रहे हैं। आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो पे हमने देखा सुधीर चौधरी जो है वो एक्सपोज हो गए, क्योंकि उन्होंने प्राइवेट प्लेन से चले गए केदारनाथ और वहां पर उन्होंने ट्रेवल किया। अब लोगों ने ये चीज को जब देखा, उनको पता चला, तो उन्होंने उन सुधीर चौधरी को ही ट्रोल कर दिया, क्योंकि ये कांग्रेस के नेताओं को और अन्य नेताओं को भी लपेट देते हैं, ट्रोल कर देते हैं उनको, और उनके बारे में अनशन बातें करते हैं। अब इसी को देखते हुए सोशल मीडिया में जो लोग हैं उनको मौका मिल गया और उन्होंने भी ट्रोल कर दिया, यहाँ तक कि इनको दोगला भी कह दिया कि खुद करे तो कुछ नहीं और वो लोग करे तो आप जो है लंबा चौड़ा आपका बातें शुरू हो जाती हैं। तो इस तरीके की पूरी अपडेट हमने इस वीडियो पे सुनी है। बाकी दोस्तों इस वीडियो के बारे में आप क्या राय रखते हैं, अपनी कीमती राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और इस वीडियो को तमाम भाइयों तक जरूर शेयर करें, ताकि उन तक भी हक और सच की बात पहुंच सके। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो पे, तब तक आप अपना ध्यान रखें।